क्या कहेंगे आज पूरे देश का दिल यानी कि दिल्ली में आपके जय जयकार है, क्या कहेंगे सर आप? आज दिल्ली कॉरपोरेशन के चुनाव में आम आदमी पार्टी को जो जीत हासिल हुई है उसके लिए पूरे देश में जो एक खुशी की लहर है, और जिस तरह से पिछले 27 सालों से जो बीजेपी की वहाँ पे सत्ता थी उसे उखाड़ फेंक कर वहाँ पे आम आदमी पार्टी ने जो अपने झंडे फहराए हैं उसके ऊपर हमें एक आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते हमें इस बात की बेहद खुशी है। और अरविंद जी का जो विचार है भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी, इस बात को दिल्ली वालों ने जो तहे दिल से स्वीकार करके जो दिल्ली पंजाब गोवा अभी कल गुजरात का भी आप देखेंगे तो जिस तरह से हमारी जो घोड़दौड़ शुरू है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, ये बिल्कुल आगे राष्ट्रीय पक्षी पार्टी बोलकर आगे आने वाली है। और अभी कल जब गुजरात के चुनाव के नतीजे आएंगे तब आप देखेंगे कि यहाँ पे और वहाँ पे हम गुजरात में भी हमारी सत्ता कायम करेंगे। तो इस बात के लिए हम सभी देशवासियों का, मेरे सभी साथियों की तरफ से, सब सहकारियों की तरफ से सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इस मौके पर यही बताना चाहूँगा कि अगर आप भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन चाहते हैं और यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोज़गार मिले, हेल्थ सुविधाएं मुहैया की जाए, इन सब मसलों पे अगर काम करने का, आपने दिल्ली मॉडल तो देखा ही है, तो इस तरह से मैं औरंगाबाद वालों से भी एक गुजारिश करूँगा कि आपके भी बेहतर और सुनहरे भविष्य के लिए आम आदमी पार्टी को एक मौका दे। जो दिल्ली में बदला वो यहाँ पे भी बदल के रहेगा। बदली दिल्ली बदलेगा औरंगाबाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर, चुनाव का असर औरंगाबाद के महानगर पर कितना पड़ सकता है आपके हिसाब से? अभी जैसा हमने देखा कि पंजाब के चुनाव के बाद में पहले से बेहद असर दिख रहा है। हम किसी भी गली मोहल्ले में जाते हैं तो लोगों के बीच में एक गुस्सा है। उन्हें पीने के लिए पानी नहीं मिलता, उन्हें हेल्थ सुविधाएं नहीं है, स्कूल गवर्नमेंट ने स्कूल बंद कर दिए, प्राइवेट को इसमें अस्पताल में जाओ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तुम्हारी लूट हो रही है। तो इन सब मसलों पे जो दिल्ली में काम हुआ तो लोगों के दिलों में एक बड़ी उम्मीद है कि यहाँ पे अगर आम आदमी पार्टी आ जाती है तो यहाँ पे भी वो सब सुविधाएं मिलेंगी। और मैं आज तुम्हारे सामने चैनल के माध्यम से पूरी आवाम से एक बात कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर हमारा महापौर जरूर बनेगा। और जिस दिन हमारा महापौर बनेगा उसके अगले पहली सभा में हम यहाँ पे पानी का बिल माफ कर देंगे। उसके साथ में 600 स्क्वायर फीट के घर जो है तो उसकी प्रॉपर्टी टैक्स जो है तो वो भी बॉम्बे की तर्ज पर हमें वो भी माफ करने के लिए हम उसके लिए कटिबद्ध है। हम यहाँ के आवाम का जीना बड़ा आसान करना चाहते हैं, वो करना बड़ा आसान है। जैसा कि हमने दिल्ली में किया, दिल्ली मॉडल में हमने उसमें का करप्शन खत्म करके जो काम है टेंडर के 450 करोड़ का जो फ्लाईओवर है वो 300 करोड़ में किया, ये तो एक मसला हो गया। इसी तरह से हम काम करेंगे, इसमें का भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, यहाँ का प्रशासन पूरा जनताभिमुख करेंगे, उन्हें आवाम के लिए उत्तरदायी बनाएंगे। और यही हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ के लोगों के जीने में चंद खुशियों के पल हम दे सकें। कुनाथ दादा पाटिल, आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष तथा शहर कार्याध्यक्ष के नाते पूरी आवाम को मेरे साथियों की तरफ से फिर से एक बार बेहद धन्यवाद देता हूं। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। सर बशीर भाई, मैंने खुद एक पत्रकार के ऐसे से आपको देखा हूं, गली गली घूमते देखा हूं। जब आप घूमते थे तो लोग मुस्कुराते थे, बोलते थे ये कैसे पागल लोग है, कैसे लोग है। और आज इतना बड़ा परिणाम आया है, क्या जवाब देंगे ऐसे लोगों को आप? देखिए अंसारी साहब, आपने जो देखा पूरे औरंगाबाद की जनता ने, मुझे जो तो अकेला शहर में फिरते हुए देखिए आम आदमी पार्टी की टोपी लगाकर, जिस प्रकार से आप बता रहे कि लोग हंसते थे, एड़ा बोलते थे, दीवाना बोलते थे, लेकिन आज उनकी दीवानी होने की नौबत आ चुकी है दूसरी इतर पार्टियों की। आज हमारे को देख के आम आदमी पार्टी का जो विजय हो रहा है तो लोग अब बहुत जो तो इससे जो तो खौफ में जो तो दूसरी पार्टियाँ जो तो आ चुकी है, ये बात याद रखिए आप। सर, आने वाले महानगर पालिका चुनाव में एक शहर के जिम्मेदार होना थे, ऐसे युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या आह्वान करेंगे उनको? हमारे पास जो युवा लोग आना चाहते हैं उनकी साफ सुथरी छवि होना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है
कि वो करप्टेड नहीं होना चाहिए, उनकी छवि उनकी नीति सब साफ होना चाहिए, हर एक के लिए वेलकम है, हमारे पास कोई दूजा भाव नहीं है। गरीब को भी टिकट मिलेगा, अच्छे को भी मिलेगा, पढ़े लिखे को मिलेगा। शर्त यह है कि तीनों प्रकार से वो जो तो उसकी साफ सुथरी जो तो छवि होना चाहिए। सर औरंगाबाद में एमआईएम का खासदार है 26 मार्च नगर सभा के, ऐसे समीकरण में आप एमआईएम को मतलब आप पार्टी को कहां पाते हैं, कितना संघर्षपूर्ण रहेगा? नहीं नहीं, उनका कुछ भी नहीं रहा है यहाँ पर। पहले जो उन्होंने जो चुनाव जीता था, जो बातें किए थे उसमें जो तो जनता में वो सब खरे उतरे नहीं। लोग अपने आप को उनके विषय में अपने आप को जनता जो है तो ठगा महसूस कर रही है। आम आदमी पार्टी ज़रूर जो है तो अपना यहाँ पर वर्चस्व दिखाएगी और हम चुनाव महानगर पालिका का जीत कर रहेंगे और हमारा झंडा जो तो आम आदमी पार्टी का लगा के रहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद बशीर, आम आदमी पार्टी औरंगाबाद। नमस्ते, मैं प्रशांत इंगले, आम आदमी पार्टी का संपर्क प्रमुख हूँ, महानगर पालिका चुनाव संपर्क प्रमुख हूँ। आज जो दिल्ली में जो बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है आम आदमी पार्टी की, ये जीत हमारी उम्मीद बढ़ाया है जीत ने। जरूर हम केजरीवाल साहब का जो विचार है, उनके जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो विचार है, वो आम जनता तक हम पहुँचाएंगे। हम युवा को आश्वासित करेंगे और पार्टी में लाके एक नया उम्मीद से हम औरंगाबाद चुनाव को आगे जाएंगे। जरूर हमारी जीत आप हासिल होंगी, ये हम ये निश्चय करके निकले हैं कि आम आदमी पार्टी का झंडा जरूर महानगर पालिका में लहराएंगे। आज खूब खुशी का दिवस है कि ज्या दिल्लीच्या महानगर पालिका जी है तिथे आम आदमी पार्टी ने खूब चांगले प्रकारे प्रदर्शन करून तिथे सत्ता काबीज केली। वारंवार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पंजाब काही ठिकाणी गोवा या ठिकाणी चांगले परफॉर्मन्स केलेले आहे आणि त्याचाच परिणाम आता पुढे गुजरात आहे, गुजरातला याच्यापेक्षाही जास्त होणार। आणि त्यावेळेस ज्यावेळेस गुजरातचं निवडणुका ज्यावेळेस जे विजयाचं गणित दिसेल त्यावेळेस पूरा भारत आम आदमी पार्टीमध्ये होऊन जाईल। आणि याचाच परिणाम आमच्या औरंगाबादमध्ये असे होईल की आमचे कार्यकर्ते खूप उत्साही आहेत आणि कार्यकर्ते आमचे असे झाले की आम्ही प्रत्येक कार्यकर्ता एक एक नगरसेवक निवडणुकीची जबाबदारी घेणार आहे, निवडून घेण्याची, असं आम्ही एक आपसात ठरवलं आहे। जर एक आमचा कार्यकर्ता एक नगरसेवक निवडून आला तर आमचे जास्तीत जास्त नगरसेवक घेऊन आम्ही सत्तेच्या जवळ जाऊ आणि औरंगाबादला आम्ही चांगल्या प्रकारे महापौर कसा मिळेल आणि जी दिल्लीचं जे आहे मॉडेल ते औरंगाबादला कसं येईल ते आम्ही त्याच्यासाठी प्रयत्न करू, त्यासाठी आमचे कार्यकर्ते खुश आहे। आज आमचा विजय झाला त्याच्यामुळे खूप खूप आनंदी आहोत आम्ही। प्रवीण हिवाळे, जनसंपर्क प्रमुख, आम आदमी पार्टी। या ठिकाणी अतिशय पूर्ण देशामध्ये एक खुशीचं वातावरण आहे। आम आदमी पार्टीनं दिल्लीच्या म्युन्सिपल इलेक्शनमध्ये घवघवीत यश संपादित केलेलं आहे। ह्या इलेक्शनमध्ये आम आदमी पार्टीने 134 सीट जिंकलेले आहे, जे तर बीजेपी जे मागच्या 15-16 वर्षापासून त्या ठिकाणी सत्तेत आहे त्याला उखडण्याचं काम या ठिकाणी आम आदमी पार्टीने केलेलं आहे। स्वतः पंतप्रधानांना, या देशाच्या पंतप्रधानांना ह्या इलेक्शनमध्ये लक्ष घालावं लागलं, इथे याच्यामध्ये बीजेपीची हार आहे। आता तर आता दिल्लीमध्ये तर आपण विजय मिळवलाच आहे, आता उद्याचं तुम्हाला गुजरातच्या इलेक्शनमध्ये पण अशीच आम आदमी पार्टी घवघवीत यश संपादित करेल। ह्याच अनुषंगाने मी या ठिकाणी जे औरंगाबादवासी आहेत यांना सांगू इच्छितो की मागच्या 10 वर्षापासून दिल्लीमध्ये आम आदमी पार्टीला लोक निवडून देत आहेत, तशाच प्रकारेचं काम औरंगाबादमध्ये माननीय रघुनाथदादा पाटील यांच्या नेतृत्वामध्ये या ठिकाणी होणार आहे। तरी आपण सर्वांनी या ठिकाणी यावेळेच्या म्युन्सिपल इलेक्शनमध्ये औरंगाबादमध्ये सुद्धा आम आदमी पार्टीला घवघवीत यश द्यावं आणि निश्चितच मी परत एकदा आपण सर्वांचं, सर्व दिल्लीकरांचं, सर्व कार्यकर्त्यांचं, पदाधिकाऱ्यांचं या ठिकाणी हार्दिक अभिनंदन करतो व थांबतो। धन्यवाद। बशीर भाई आओ ना। मेरा नाम डॉक्टर मखदूम अहमद है और मैं यहाँ पर एक इदारे से मुंसलिक हूँ जहाँ पर मैं लेक्चरर की ड्यूटी का अंजाम देता हूँ। आज की इस खुशी के मौके पर मैं छोटी सी एक बात ये रखना चाह रहा हूँ कि हमारी जो आम आदमी पार्टी है वो सिर्फ छोटे छोटे आम मुद्दों को लेकर और उसको ऊपर काम करके जो छोटे मुद्दे बड़ी पार्टियों ने इग्नोर कर चुके थे, नज़रअंदाज कर चुके थे, जैसा कि भाई एक गरीब फैमिली का जो सबसे बड़ा खर्च हो रहा था लाइट बिल के ऊपर हो रहा, पानी के ऊपर हो रहा, बच्चों की एजुकेशन के ऊपर हो रहा,
तो बड़ी बड़ी पार्टियों ने वो सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया था। बड़ी बड़ी पार्टीज बड़े बड़े मुद्दों को लेकर चल रही थी, तो ये छोटे मुद्दे हाथ में लेकर एक आम आदमी पार्टी ने जो काम किया, उसी का नतीजा है कि हमने पहले दिल्ली पर अपना परचम लहराया, उसके बाद सेम पैटर्न पर हमने पंजाब में काम किया, अभी वही काम हम गुजरात में कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये हो सकता है कि गुजरात के नतीजे भी हमें और खुशी मुहैया करे। वही उम्मीद लेकर हम औरंगाबाद में भी आए हैं कि हम जिस तरह से दिल्ली पंजाब और गुजरात में काम कर रहे हैं, औरंगाबाद में भी दादा के रहनुमाई में हम वो काम अंजाम देना चाह रहे हैं, जिसके लिए मैं तमाम शहरियान से पुरखलूस गुजारिश करता हूँ कि वो जात और भेदभाव को अलग रखकर डेवलपमेंट के बारे में, अपने बच्चों की तालीम के बारे में, अपने बच्चों की नौकरियों के बारे में एक हमको मौका फराहम करें कि हम उस सिलसिले में कोशिश करें और बच्चों को अच्छे से अच्छी नौकरियों के लिए हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। नौकरी देना कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ हमको प्रॉपर वर्क करना पड़ेगा जिसके बेस पर हम जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर उन बच्चों नौजवान बच्चों को हम उनकी रहनुमाई करेंगे। और ये सब कब हो सकता है कि जब आप हमको एक थोड़ा सा लीडरशिप का राइट हमारे हाथ में दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि दादा की रहनुमाई में ये सारे काम हम बहुत अच्छी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए आपका साथ हमें मिलना बहुत ज़रूरी है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा साथ ज़रूर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बोल रहा हूँ। मेरा नाम सैयद उबैदी नामदार है। मैं केजरीवाल साहब के जो उनकी भावना है, जो उनका काम करने का तरीका है, वो मुझे बहुत पसंद आया। ये वजह से मैंने राष्ट्रवादी छोड़ के मैंने आम आदमी पार्टी में ज्वाइन प्रवेश किया हूँ। मैं मेरा बोलने मतलब ये है, जैसा दिल्ली में वो लोगों ने आम आदमी पार्टी ने जो पब्लिक को जो सेवा दे रही है, वो पंजाब में इंशाल्लाह हम लोग औरंगाबाद में भी हम वही सुविधा हम देंगे इंशाल्लाह। जैसे 300 यूनिट फ्री वो है, बिजली मुफ्त है, बेरोजगारों को भत्ता है, और जो भी फैसिलिटी है हम पूरी कोशिश देने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हम। और आम आदमी पार्टी को जितने भी हम लोग कार्य अपने लोग हैं उन सबको आम आदमी पार्टी में लाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इसके हाँ ये गुजरात को गए थे प्रचार को, खिलाफ आए देखो ना यार, अरे लोगों को बताओ, अरे दो मिनट चाचा दो मिनट दो हाँ ये गुजरात के अंदर।
आम आदमी पार्टी जय हो। आम आदमी पार्टी जय हो। आम आदमी पार्टी जय हो। केजरीवाल साहेबांचा जय हो। आम आदमी पार्टी जय हो। भारत माता की जय। पार्टी जय हो। आम आदमी पार्टी जय हो। माननीय अरविंद केजरीवाल भवित देश निर्माण केलेला आहे। अरे येऊन येणार कोण? आम आदमी पार्टी येणार कोण? अरे येऊन येऊन येणार कोण? आम आदमी पार्टी जय हो। आम आदमी पार्टी जय हो। केजरीवाल साहेब तू मागे बोलो। पार्टी जय हो। छत्रपती शिवाजी जय हो। अरे येऊन येऊन येणार कोण? येऊन येणार कोण? आम आदमी पार्टीचा येतो। आम आदमी येऊन येणार कोण? आम आदमी येणार कोण? तू मागे बोलो। हमारे साथ केजरीवाल साहब तू मागे बोलो। हम तुम्हारे साथ रघुनाथ जय दिल्ली तो झांकी है, गुजरात भी झांकी है। दिल्ली तो झांकी है, गुजरात भी। केजरीवाल साहेबांचा जय हो। केजरीवाल साहेबांचा जय हो। दादा पाटीलचा जय हो। केजरीवाल साहब को मांगे उड़ा।
दादा तू मागे म्हणो भ्रष्टाचार का एक ही का भ्रष्टाचार का एक ही आम आदमी शिवाय एक